ये ड्यूज फार पहले सामे के नाम से आते थे, अब ये कंपनी कहती है कि हमने अपने सही डीलरशिप हिंदुस्तान के अंदर लॉन्च कर दिए हैं। आप कह रहे हो ये ब्रेक वाला मॉडल नहीं है। हाँ जी, इनकी एक बहुत बढ़िया चीज क्या है, ये ब्रेक वाला मॉडल नहीं है लेकिन इसे बनाया जा सकता है। इस जॉन डियर सर हम चला रहे हैं 2001 से, अगर जॉन डियर पसंद है तभी 2001 से अभी तक लगातार जॉन डियर चला रहे हैं। हाँ। कि किसी तरह कमी नहीं निकाल सकता क्योंकि वो ट्रैक्टर हाँ। भी बहुत बढ़िया अपने पास, उसकी एक्सीलेंट रिपोर्ट है, आपको मार्केट में प्रूव भी किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, हाँ ये सही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आपका आज की वीडियो में स्वागत है, जहाँ पर हम बात करेंगे ड्यूज फॉर एग्रोलक्स 55 के फोर व्हील ड्राइव वेरियंट के बारे में। और इसके ओनर गुरदीप भाई हमारे साथ हैं, जो कि इस ट्रैक्टर को लेकर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि ये ट्रैक्टर आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं। और ये ट्रैक्टर ऐसा ट्रैक्टर है जो कि आपको बहुत कम किसानों के पास देखने को मिलेगा, इसी कारण से बहुत से किसान भाई इसको लेने से डरते हैं कि पता नहीं ये ट्रैक्टर कैसा निकलेगा, फील्ड में कैसा काम करेगा, सही काम करेगा या नहीं करेगा, इसकी सर्विस कैसी रहेगी। क्योंकि जो कंपनी होती हैं वो सभी कंपनी अपने ट्रैक्टर को अच्छा बताती हैं, लेकिन उस ट्रैक्टर के बारे में जो सही राय है वो एक किसान दे पाएगा जिसने उस ट्रैक्टर को चलाया है, यूज़ किया है, कि वो ट्रैक्टर कैसा रहेगा, कैसा परफॉर्म करेगा और वो किसान के लिए सही रहेगा या फिर नहीं। तो गुरदीप भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी जी। तो सबसे पहले ये बताइए, आपने ये ट्रैक्टर लिया कब था? ये लिया था जी 2021 मार्च के अंदर। हाँ जी। तो इससे पहले आपने कौन कौन से ट्रैक्टर चलाए हैं? इससे पहले जॉन डियर, महिंद्रा का अर्जुन, महिंद्रा के और भी पहले चलाए हैं, बाकी स्वराज के भी हैं। जॉन डियर तो अभी भी दो चला ही रहे हैं। जॉन डियर आपके पास अभी भी है? अभी भी जॉन डियर भी है, एक 855 है, एक महिंद्रा अर्जुन 555 है। तो जैसे पहले आपके पास जॉन डियर था, स्वराज था, हाँ जी, तो जिस टाइम आपने ये ट्रैक्टर खरीदा उस टाइम पर आपने उन ट्रैक्टर के ऊपर जाने का विचार नहीं किया जो आपने पहले यूज़ कर रखे थे? इसके अंदर थोड़ा टेक्नोलॉजी उन ट्रैक्टरों से एडवांस है, जो उन ट्रैक्टरों के अंदर आने में अभी तकरीबन मान के चलो 5 से 7 साल का समय लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको, आपके मन में थोड़ा बहुत डर तो रहा होगा कि कहीं ये ट्रैक्टर मार्केट में नया है, सही रहेगा या नहीं रहेगा ट्रैक्टर का, ऐसा सा ऐसा, क्योंकि जो जॉन डियर ट्रैक्टर है उसने, उस ट्रैक्टर ने अपने आपको मार्केट में प्रूव कर चुका है, वो ट्रैक्टर अपने आपको प्रूव कर चुका है कि वो फील्ड में अच्छा है ट्रैक्टर, सभी मार्केट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे, सर्विस अच्छी है, लेकिन ये ट्रैक्टर मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है, उस वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ डर तो रहा होगा इसको लेने से पहले। इसका पहले सामे ट्रैक्टर चलाया है जी। सामे ये ड्यूज फार पहले सामे के नाम से आते थे। हाँ हाँ, सामे। इसकी एक तो डीजल की खपत और ट्रैक्टरों से कम है। पहले जब ये सामे के नाम से थे तो इसका सिर्फ स्पेयर पार्ट था जो हिंदुस्तान के अंदर कम मिलता था, इंडिया के अंदर। अब ये कंपनी कहती है कि हमने अपने सही डीलरशिप हिंदुस्तान के अंदर लॉन्च कर दिए हैं। अब कल को वो कितना टाइम अपनी डीलरशिप सही चलाते हैं, मेनली ट्रैक्टर का कामयाब ना कामयाब होना तो उसकी डीलरशिप के ऊपर है, वो आपको सर्विस कैसी देते हैं। मतलब कंपनी का दावा है कि हमने अपनी सर्विस को इम्प्रूव किया है, हाँ पहले के मुकाबले और ज़्यादा। हाँ जी। तो इससे पहले आपके पास जो जॉन डियर था वो टू व्हील ड्राइव में था या फोर व्हील ड्राइव में? वो टू व्हील ड्राइव में। टू व्हील ड्राइव में, हाँ जी। तो जैसे आपने कल्टीवेशन में जॉन डियर यूज़ किया पहले, हाँ जी, खेत में जुताई में, और आप अभी इसको यूज़ करते हो फोर व्हील ड्राइव को, तो टू व्हील ड्राइव में और फोर व्हील ड्राइव में जो आपको डीजल की बचत है, हाँ जी, वो आपको कौन से ट्रैक्टर में सही लगी, इसमें या उसमें? टू व्हील के अंदर ऐसा सा है, क्योंकि जैसे लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर हम सेम एचपी के अंदर फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेंगे, हाँ जी, तो वो जो है डीजल ज़्यादा लेगा, ये थोड़ी गलत फहमी है। हाँ यही। अब कल्टीवेटर के अंदर लगा लो, आप डिस्क के अंदर लगा लो, ठीक, जब पिछले दो टायर जोर मारेंगे तो वो तेल की खपत पूरी करेगा, अगर चारों टायर जोर मारेंगे तो वो उसका लोड डिवाइड हो जाएगा, हाँ पकड़ जमीन के, ग्रिप ज़्यादा हो जाएगी, स्लिप कम रहेगी, ट्रैक्टर की डीजल का खर्चा यानी मेनली खेत के अंदर स्लिप के ऊपर भी डिपेंड, मतलब कि फोर व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर की पकड़ ज़्यादा होने के कारण ट्रैक्टर कम टाइम में ज़्यादा एरिया कवर करेगा। हाँ, कम खपत करेगा डीजल की। कभी आपने इसको ऐसे यूज़ किया है बिना फोर व्हील ड्राइव के कल्टीवेशन में, चेक किया कभी फोर व्हील ड्राइव में? हाँ, बिल्कुल ज़्यादा एवरेज मिलती है या फिर टू व्हील ड्राइव में? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, अगर यानी टू व्हील के अंदर चला रहे हैं कल्टीवेटर डाले हुए हैं, जी जी, उसे पूरे यानी ज़मीन के अंदर लगा के चला रहे हैं तो ये कम खींचेगा, उसके हिसाब से वो ओवरलोड के अंदर ट्रैक्टर डीजल खाना शुरू हो जाएगा, डीजल भी खाएगा, स्लिपेज करेगा, स्लिप करेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा खर्च होगा। फोर व्हील के अंदर इसके आंकड़े बदल जाते हैं। तो जो पहले आपने जॉन डियर चलाया है टू व्हील ड्राइव में, हाँ जी, वो सेम एचपी में था?
हाँ, जितने ये 53 दो अभी भी हैं जी। तो उसके मुकाबले आपको इसमें माइलेज कैसी मिली? उसके मुकाबले इसकी माइलेज उससे यानी थोड़ी सी बढ़िया है रिपोर्ट, यानी फोर व्हील के कारण इसकी डीजल खपत थोड़ी कम हो जाती है। कम है मतलब ये जो इसकी ग्रिप ज़्यादा बनने के कारण, हाँ, स्लिपेज की प्रॉब्लम कम आने के कारण इसमें डीजल की बचत ज़्यादा हो जाती है। हाँ जी। जो जैसे कि इसका फोर व्हील ड्राइव है, अगला एक्सेल है जो इसका, हाँ जी, इसमें आपको और के मुकाबले क्या खास लगा? जैसे इसमें डिफरेंशियल लो कंपनी देती है, ब्रेक्स देती है, वैसे हालांकि ये ब्रेक वाला मॉडल है नहीं, हाँ जी, लेकिन फिर भी आपको इसमें ये इसका जो फ्रंट व्हील, अब जैसे आप कह रहे हो ये ब्रेक वाला मॉडल नहीं है, हाँ जी, इनकी एक बहुत बढ़िया चीज़ क्या है, ये ब्रेक वाला मॉडल नहीं है लेकिन इसे बनाया जा सकता है। इसके अंदर ब्रेक की एडजस्टमेंट उन्होंने पीछे से दे रखी है। अगर आप यानी अब ब्रेक नहीं है इसके अंदर, इन फ्यूचर इसके अंदर एडजस्टमेंट करवाना चाहते हैं तो बिना किसी यानी इन फ्यूचर कभी भी करा सकते हैं, करा सकते हैं, इंस्टॉल करा सकते हैं। और इस ट्रैक्टर में मैंने एक खास फीचर और देखा कि अगर आप इस ट्रैक्टर को टू व्हील ड्राइव में लेते हो, हाँ जी, इन फ्यूचर आपको कभी फोर व्हील करवाना है, हाँ, उसका अरेंजमेंट इसमें पहले से ही मिलता है, पहले पीछे से दे रखा है। जो और ट्रैक्टर हैं, और ट्रैक्टरों के अंदर, किसी भी ट्रैक्टर के अंदर टू व्हील के अंदर उसे अगर फोर व्हील पे करवाते हैं ना तो होगा नहीं। इसके अंदर पीछे से इन्होंने जो ये इसकी फोर व्हील की छाप्ट है वो टू व्हील के अंदर ही कंपनी पीछे से इन बिल्ड करके देती है। ऑप्शन है उसका, ऑप्शन है, हाँ। आपने अभी तक इस ट्रैक्टर पर कौन कौन से इंप्लीमेंट यूज किया है? रूटावेटर कितने फीट का? 8 फीट का। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, तुड़ी वाली मशीन, रिपर, हाँ। मतलब कि जो इम्प्लीमेंट आपने इस पर यूज किए हैं, हाँ जी, यही सेम इम्प्लीमेंट आपने जॉइंटर पे भी यूज किए थे? हाँ, उस पर भी अभी भी चलाते हैं, अभी भी यूज करते हैं, हाँ। तो परफॉर्मेंस किस में अच्छी मिलती है आपको सेम इम्प्लीमेंट के अंदर? सेम इम्प्लीमेंट के अंदर ऐसा है जैसे इसे चला रहे हैं, क्योंकि इस ट्रैक्टर का कॉम्पिटिटर मार्केट में सबसे बड़ा जॉइंटर ही है, हाँ। टेक्नोलॉजी में, परफॉर्मेंस में कहीं में लगा लो आप। अब जो टू व्हील जॉन डियर है, फोर व्हील जॉन डियर तो चला के नहीं देखा, यानी मैं जॉन डियर की किसी तरह कमी नहीं निकाल सकता क्योंकि वो ट्रैक्टर, हाँ, भी बहुत बढ़िया, अपने पास उसकी एक्सीलेंट रिपोर्ट है, मार्केट में प्रूव भी किया हुआ है, हाँ बिल्कुल, हाँ ये सही है। जॉन डियर सर हम चला रहे हैं 2001 से, अगर जॉन डियर पसंद है तभी 2001 से अभी तक लगातार जॉन डियर चला रहे हैं, हाँ। ये थोड़ा सा जॉन डियर से अलग हटके, अभी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आप पुराने टाइम से जॉन डियर यूज कर रहे हो, हाँ। तो आपने इस ट्रैक्टर लेने के टाइम पर आपने उस पर जाने का विचार क्यों नहीं किया? जॉन डियर अभी पहले दो है ना, दो हैं, तो एक जॉन डियर बेच के तब ये लेके आए थे, कुछ नई चीज ट्राई करने का मन था। तो जैसे आपने इस पर जो रोटावेटर है वो 8 फीट का यूज करते हो, हाँ जी, उसमें आपको इसमें डीजल खर्च कितना आया आपका, एकड़ के हिसाब से या फिर घंटे के हिसाब से? एकड़ के हिसाब से 1 लीटर का फर्क डाल जाता है और ट्रैक्टरों से। इसमें कितना मिला आपको? अगर और ट्रैक्टर 6 लीटर के अंदर बाहर आते हैं तो ये 5 के अंदर बाहर आएगा, 5 के अंदर, हाँ जी, 8 कनाल के अंदर, हाँ। अब जैसे मैंने इसके रूटावेटर के साथ जो जीरी का कबाड़ होता है वो पानी छोड़ के खेत के अंदर, उसकी एक किस्म की कैदों की है, जैसे हम जीरी लगाने से पहले अपना खेत तैयार करते हैं, मैंने कनक से पहले उसकी कैदों करके उसे जीरी की तरह तैयार करके उस जो उसकी पराली थी, हाँ, रोटावेटर से ठीक, जो उसकी पराली थी वो मेल्ट की थी खेत के अंदर, तो उसकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी उसके अंदर, यानी सारी की सारी दफन हो गई थी खेत के अंदर। सुपर सीडर में परफॉर्मेंस कैसे लगी आपको? बहुत बढ़िया सुपर सीडर परफॉर्मेंस, प्लस माइलेज कैसा मिला आपको? माइलेज भी बढ़िया मिला, 7.5-7 के लगभग मान के चलो आप, हाँ। जुताई वाले खेत में या उस पराली वाले खेत में? दोनों में, तप्पड़ के अंदर भी, तप्पड़ के अंदर थोड़ा सा हल्का सा बढ़ जाता है अगर आपने यानी जुताई एक पाड़ या दो पाड़ कर रखी है, वो तो ऑटोमेटिक वहाँ पे उसने लोड कम लेना है, खेत बढ़िया तैयार कर देना है। अगर तप्पड़ के अंदर चलाते हो तो तप्पड़ के अंदर उसने थोड़ा सा लोड ज़्यादा लेके चलना है। तो गुरदीप भाई, जैसे आप गन्ने खेती करते हो, हाँ जी, गन्ना आप मील में कहाँ लेके जाते हो? गन्ना शाहबाद, वो कितनी दूर पड़ता है आपसे? यहाँ से पड़ता है जी 25 किलोमीटर के आसपास। तो आपको इसके मील में जाते हुए गन्ने की ट्रोली में, रोड पर माइलेज कुछ अंदाजा अभी है तक आपको? नहीं, कुछ मतलब अंदाजा मोटा मोटा की कितनी मील होगी? नहीं, मील में लेके नहीं गए, मंडी का खर्चा जैसे अंबाला शहर लेके चले जाते हैं। कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? पड़ जाता है वो भी 14 किलोमीटर मान के चलो एक साइड। तो वहाँ पर एवरेज क्या मिली आपको इसकी रोड पर? 10 लीटर के अंदर आना जाना, हाँ। 28 किलोमीटर 10 लीटर के अंदर, हाँ। सिटी की 6-7 हो जाती है, 6-7 ठीक। वो शाहपुर वाली मंडी थोड़ा दूर है, उसके अंदर उस हिसाब से थोड़ा 3-4 लीटर प्लस हो जाता है। तो जैसे इसके अंदर जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसका दिया है, क्योंकि सब जो ट्रैक्टरों में फ्यूल पंप आता है बोस कंपनी का, हाँ जी, या
और किसी कंपनी का, तो जो इसमें है इसमें आपको सिस्टम कुछ अलग मिलता है। इसमें आपको हर एक सिलेंडर के लिए अलग से नोजल दिए जाते हैं बाहर से ही। तो इसका ये आपको इसकी परफॉर्मेंस आपको उनके मुकाबले कैसी लगी? इसकी रोड के ऊपर परफॉर्मेंस और खेत के ऊपर परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है इसका। अब जैसे कहीं खाली ट्रैक्टर चल रहा है जिसके अंदर इसके पीछे लोड नहीं है, तो इसकी फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगी। वो एक नोजल से भी उसने यानी ट्रैक्टर को प्रोवाइड करवानी है फ्यूल। अगर कभी फ्यूचर में किसी में दिक्कत आ जाती है इसके पंप में, तो इसकी अलग अलग उससे पता चल जाएगा कहाँ पे इसमें दिक्कत है उसके। अगर पंप में दिक्कत आ जाए, जैसे माइको का पंप हो गया, वो पूरे का पूरा पंप खुलेगा, पूरा पंप ओवरऑल होगा, पूरा पंप ही रिपेयर होगा। हाँ, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी। जैसे एक बार अगर कहीं पे भी कमी आ गई तो उसके अंदर हमें पूरे ही पंप की उसका खर्चा देना पड़ेगा। इसके अंदर यानी ऐसा सा है, जहाँ पे भी कमी आएगी, जिस नोजल के अंदर कमी आएगी, वो शायद आपका 500 रुपये में काम बन सकता है। मतलब जैसा कंपनी बोलती है कि अगर आपकी इसमें एक नोजल ख़राब होगी, हाँ, तब आपकी एक नोजल ही चेंज होगी, पूरे पंप को अरेंजमेंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा पंप नया करने की। तो किसान भाई, ये इस ट्रैक्टर की बहुत ही खास बात है, अगर इसके किसी नोजल में दिक्कत आती है तो आपको इसका पूरा पंप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी सिर्फ आप जिस नोजल में दिक्कत आएगी उस अकेली नोजल को ही आप चेंज कर सकते हो। एक जैसे आप जॉन डियर के बारे में पूछ रहे थे, जी जो नया जॉन डियर आज के समय में फोर व्हील आ रहा है, वो टर्बो है। टर्बो है, हाँ। उसकी टर्बो का खर्चा ज़्यादा है। इसके अंदर ये प्लस पॉइंट है, ये टर्बो है, इसका तेल का खर्चा यानी उससे कम है। मतलब जॉन डियर का, जो जॉन डियर का खुद का ही नॉन टर्बो मॉडल है, हाँ, टर्बो में जॉन डियर का उससे ज्यादा डीजल खर्चा है। हाँ, ज्यादा डीजल खर्चा है, इसका कम है। इसका कम है, हाँ। जॉन डियर का जो नॉन टर्बो है उसका भी खुद से कम है जॉन डियर से। बिल्कुल ठीक है। और किसान भाई, इस ट्रैक्टर में एक और खास बात यह है कि जो इसकी प्रोपेलर शाफ्ट दी गई है फ्रंट व्हील को पावर देने के लिए, वो आपको नीचे कहीं नज़र नहीं आएगी। उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया है ताकि इस ट्रैक्टर में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़्यादा मिल सके, ताकि आप इसको मेड के ऊपर से आसानी से क्रॉस कर सको। तो गुरदीप भाई, अगर बात करें हम इसकी सेंसिंग की, लिफ्ट की सेंसिंग, तो आपने इसको कल्टीवेटर कितने के यूज़ किए हैं इस पर? अभी तो इसके ऊपर 13 के ही चला रहे हैं जी। 13 के? हाँ जी। तो आपको इसकी जो सेंसिंग है वो जॉन डियर के मुकाबले कल्टीवेटर में कैसी लगी? बहुत बढ़िया। यानी जैसे इसके ऊपर इन्होंने निशान दे रखे हैं अंदर, अगर आप इसे येलो के अंदर रख के चलाते हैं, जहाँ पे इन्होंने अपना येलो डॉट बना रखा है, तो उसके अंदर लिफ्ट की सेंसिंग बहुत दी बेस्ट है। अगर आप रेड तक जाते हो तो सेंसिंग बंद कर देगा। तो आपने जहाँ पे छोड़ा हुआ है वो यानी अपने हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्टमेंट नहीं करेगा। अगर येलो के अंदर है तो एक नंबर सेंसिंग है इसकी, क्योंकि अगर ट्रैक्टर सेंसिंग सही रहेगी, हाँ जी, तो ट्रैक्टर खेत में डीजल कम लेगा, स्लीपेज कम करेगा, और जो जुताई है वो भी प्रॉपर एक समान खेत की आपको मिलती है। तो जैसे कि इसमें जो चार पॉइंट दिए हैं सेंसिंग के, हाँ जी, इनका कुछ फायदा है? जैसे और ट्रैक्टर में किसी में दो मिलते हैं, किसी में तीन, जिसमें चार हैं, इसका कुछ फायदा है? ये ना पीछे जो इक्विपमेंट लगा होगा, ये चारों में उसकी वाइब्रेशन कम हो जाएगी। आप उसकी एडजस्टमेंट इक्विपमेंट की आपको खेत में जाके पता चलेगी, यानी आप उसे किस यानी किल्ली के अंदर लगाते हो, किस होल में आपको सही परफॉर्मेंस देगा। अब जैसे ये सुपर सीडर अभी थोड़े दिन पहले लगाया हुआ था, तो ऊपर वाले होल के अंदर ऊपर जाके वाइब्रेशन करता था बहुत, उसे इस यानी सेकंड के अंदर बदला तो उसकी वाइब्रेशन बंद हो गई थी। पीटीओ पावर कैसे लगी आपको इसकी? पीटीओ पावर बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे आपने सुपर सीडर में यूज़ किया, रोटावेटर में यूज़ किया, हाँ जी, तो पीटीओ पावर में कैसा लगा आपको? पीटीओ पावर में जॉन डियर यानी जॉन डियर के जो पुराने मॉडल थे, जो यानी ब्लैक इंजन के अंदर आते थे, उसके अंदर उनकी पीटीओ पावर 51 पॉइंट समथिंग उस थी, हाँ, और जो नए जॉन डियर आए थे उसके अंदर उन्होंने कम कर दी थी। इसकी पीटीओ पावर यानी फोर व्हील के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टर को, और कोई इक्विपमेंट ऐसा सा लग रखा है, तो इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसके अंदर ना इन्होंने एक जैसे 3-स्पीड ट्रैक्टर होता है, हाँ जी, हाँ जी, इसके अंदर जो क्लिपर गेयर है, SR गेयर दिया है, हाँ, वो सबसे ज़्यादा स्लो है। अगर मतलब वो जो पहले गियर का लोग है उससे भी आपको डाउन स्पीड देगा। अब जैसे इस रिपर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, रात को ट्रैक्टर चला रखा है, रात को तकरीबन मोस्टली सभी ट्रैक्टर बंद हो जाते हैं,
अगर आप किसी ऐसे खेत के अंदर है जिसके अंदर आपका लान बहुत बढ़िया है, तो आप क्रीपर गियर के अंदर डाल के इसे बड़े आराम से बेफिक्रे होकर चला सकते हो। यानी उसके अंदर ना ट्रैक्टर की टूट फूट होगी, ना आपके इक्विपमेंट के अंदर कहीं ट्रैक्टर के इंजन में लोड नहीं पड़ेगा। हाँ, और जो पीछे सफाई मिलेगी खेत में वो ज़्यादा मिलेगी। तो गुरदीप भाई, आपने कभी इस ट्रैक्टर पर प्लो वगैरह यूज़ किया है? अभी तो नहीं इस्तेमाल किया, अभी नहीं किया। तो ओवरऑल अगर कोई किसान भाई इस ट्रैक्टर को लेना चाहे तो आप उसके सजेस्ट करोगे या नहीं? मैं बिल्कुल करूँगा जी। कुछ किसान भाई ना कुछ तो इसकी कीमत देख के डर जाते हैं। अगर आप ना इसके अंदर 1,00,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं और आपने लंबा इस्तेमाल करना है, तो ये 1,00,000 आपके डीजल के अंदर 1 साल के अंदर पूरे करके देगा। जब आपने इस ट्रैक्टर को खरीदा, हाँ जी, तो आपने वो ट्रैक्टर की ट्राई भी की होगी? बिल्कुल, प्राइस की भी, सभी चीज़ की। ट्राई करने की ज़रूरत नहीं भाई साहब, अपने पास यानी जॉन डियर वाले खुद घर आए थे, शुरू से जॉन डियर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यानी 50,000 कह लो, 70,000 कह लो, कम पे भी तैयार हो गए थे कि आप सेम एचपी के अंदर, हाँ, कि आप ट्रैक्टर ना बदलो। कौन सा मॉडल था वो? 5405 था वो, तो इससे बड़ा है ना? हाँ, वो 63 एचपी का है। ये 55 में है। तो मतलब होगा आपको फोर व्हील ड्राइव में इससे कम कीमत में दे रहे थे? इससे कम कीमत में दे रहे थे, लेकिन एक बार इस्तेमाल करके देखना था कि ये यानी जर्मन की मतलब मन था इसको यूज करने का। हाँ जी बिल्कुल, देखने का। हाँ जी, एक बात और गुरदीप भाई, जो इसका प्लेटफॉर्म है, हाँ जी, ये थोड़ा टाइट फील होता है। ये इसकी एक बात बताता हूँ जी आपको, जो इसके लीवर है ना, ये सारे इन रीच है। आप खेत के अंदर जब काम करते हो ना, और ट्रैक्टरों के अंदर थोड़ा सा हमें झुकना पड़ेगा, हल्का सा झुकाव आएगा, इसके अंदर ये रीच के अंदर है। इन रीच के अंदर होने के कारण ना थोड़ी थकान कम होती है। जो इससे दूसरा मॉडल आता है उसके अंदर एक कॉम्बो सीट आती है, उसका कुछ अलग ही मजा है, उसके ऊपर थकान होने का सवाल ही नहीं है जी। मतलब आप इस ट्रैक्टर को बिना थके लंबे टाइम तक अपने फील्ड में यूज कर सकते? बिल्कुल, बड़े यानी आरामदायक ढंग से इस्तेमाल कर सकते। एक बात और, जो इसमें ये ब्रेक दिए गए हाइड्रोलिक ब्रेक, हाँ जी, ये आपको कैसे लगे इसके? बहुत बढ़िया जी। हाइड्रोलिक ब्रेक के साथ साथ इसकी ना जो हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक है वो अलग है। हाँ, ये भी फंक्शन एक ऐसा सा है, जैसे चारों टायरों के अंदर ब्रेक है। इन फ्यूचर आप रोड पे जा रहे हो, वो कहीं काम करना किसी वजह से बंद कर गए, तो आपका ये फुल ब्रेक का काम करेगा। हैंड ब्रेक है ये, अंदर मैकेनिज्म से ये ब्रेक है, पैर वाले इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं, ये अंदर मैकेनिज्म लॉक करेगा इसका। ठीक। और एक बात गुरदीप भाई, और थोड़ा सा एक आइडिया हमारे किसानों का आप और दो, जैसे आपने इसमें रियर व्हील में वेट लगवाया है, हाँ जी, फ्रंट में लगवाया है, हाँ जी, थोड़ा इसका किसी कीमत का वजन का आइडिया दे दोगे? क्योंकि बहुत से किसान भाई पाने की फिराक में रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कहाँ से लगवाएं, कहाँ से सही रहेगा, क्या कीमत है इसकी? ये जी अपने गांव का दोस्त काम करता है, सैनियों का लड़का है, जो इसके पिछले वाले वेट है रियर व्हील में जो, हाँ, ये 10 के इंजन के हैं जी, ये फ्लाई व्हील है, हाँ, 10 HP का इंजन का, हाँ जी, तो ये उसके पास से तैयार करवा के इसके अंदर वेट अपने थे, उस पर प्लेट प्लूट बनवाई और बना के लगाई है। उसका तो लगने का खर्चा लिया है उसने, जो 3,000-4,000 गया। अच्छा, बाकी वेट अपने थे। वेट कितने का? अपने घर पे पड़ा था पुराना, या ले गए थे? ये 75 kg के समथिंग एक है वेट है। हाँ, तो इससे कुछ इम्प्रूव हुई है परफॉर्मेंस इसकी? स्लिपेज की दिक्कत कम हुई या कुछ? पहले तो वैसे स्लिप की दिक्कत कम थी है इसके अंदर, यानी अभी ऐसा कोई इक्विपमेंट जोड़ा ही नहीं था जिसके अंदर ज़्यादा स्लिप दिखाए। और फ्रंट वेट का अंदाजा है गुरदीप भाई के कितने केजी का होगा इसमें? 1.25 to 1.5 kg के आसपास का होगा फ्रंट वेट। तो जैसे कि बहुत से किसान भाई ना जॉन डियर की शिकायत करते हैं कि जॉन डियर में ना पडलिंग के काम में, कादे वगैरह में दिक्कत आती है स्लीपेज की बहुत ज़्यादा। हाँ जी, जो उनके बड़े मॉडल हैं 5405 में, 5310 में, इसमें आपको पडलिंग में इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी कादे वगैरह? बहुत बढ़िया। मैंने ना जी इसके साथ यानी अपनी धान का कबाड़ वो खेत के अंदर रूटावेटर के साथ मिक्स किया था। इसकी जो आगे के टायर चौड़े होने के कारण ये ग्रिप का ग्रिप ज्यादा है। हाँ, ग्रिप रेडियल है, प्लस चौड़े हैं, रेडियल है प्लस चौड़े हैं, उस हिसाब से ग्रिप ज्यादा होने के कारण बहुत बढ़िया था। क्योंकि जो जिन किसानों के पास जॉन डियर है वो बोलते हैं कि ये ट्रैक्टर पडलिंग के काम में बिना वेट के या फिर टायर में बिना पानी भरवाए चलता नहीं है। नहीं, स्लिपेज बहुत ज्यादा है। ये गलत रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया है। बल्कि पहले जॉन डियर बोलते हैं, जॉन डियर की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बहुत जिन किसानों के पास जॉन डियर है। हाँ, वो किसान बोलते हैं कि जॉन डियर बिना वेट के और बिना पानी के कादे में चलता नहीं है या उसके अंदर आप, क्योंकि आपने जॉन डियर यूज किया है, कभी आपके सामने दिक्कत आई है उसमें? हाँ, उसमें पानी डलवा रखा था हमने टायर के अंदर। इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर वेट लगवा दिए थे बस। अगर आज के टाइम में कोई किसान भाई ये ट्रैक्टर लेना चाहे
तो आपको आप उसको एडजस्ट करोगे? बिल्कुल करूँगा जी, कुछ यानी नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाके एक बार देखना। जो इसकी प्राइस रेंज है उस प्राइस रेंज में ये ट्रैक्टर पूरा पैसा वसूल है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। डीजल बचेगा तो यानी लगातार चलने के अंदर वो अपना पैसा, अगर किसान रीसेल नहीं करना चाहता, मेनली बहुत किसान ये देखते हैं कि इसकी रीसेल वैल्यू मार्केट के अंदर बहुत कम है, लंबा टाइम चलाओ ट्रैक्टर की, असल उसका लंबे टाइम के अंदर पता लगेगा ट्रैक्टर कहता क्या। मतलब कि जो इसकी कीमत लाख डेढ़ लाख ज़्यादा है, हाँ जी, वो आपकी पूरी पैसा वसूल है? हाँ जी, ठीक। बाकी ये चला के पता चलेगा, अभी साल 2021 मॉडल है। हाँ ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरदीप भाई आपका। ठीक है जी, तो बस किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें।